नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमें 1 किलो सरसों का साग, 1/2 किलो पालक, 1/2 किलो भतुआ, 50 ग्राम सोया, 2 प्याज कटे हुए, 2 लहसुन कटे हुए, 20 ग्राम अदरक, 10 से 15 हरी मिर्ची और 50 ग्राम घी या बटर, नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 सूखी साबुत लाल मिर्ची। अब मैं ये साग 4 से 5 बार धोऊंगी। धोने के बाद इसको हम एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ाएंगे। अब इसमें हम अपना साग डालेंगे। और 4 से 5 हरी मिर्ची, 4-5 कली लहसुन की और 1 गिलास पानी। दोस्तों, हमने ये साग काटा नहीं है, हम इसको खाली उबालेंगे। हल्का सा उबालना है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा उबालना है बस। ये साग हमारा तैयार हो गया है। अभी इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। अब हम अपने साग को मिक्सर में पीस के रखेंगे और थोड़ा दरदरा रहेगा साग। अब कढ़ाई में घी डालें, 2 चम्मच घी। घी थोड़ा गर्म होने देंगे। ये साग हमने दरदरा पीसा हुआ है, घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, थोड़ा लहसुन बचा लें, अदरक थोड़ा सा कटा हुआ, इसको चलाएंगे। ये थोड़ा सा पकने लगे तो इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई प्याज, जो मैंने 2 प्याज लिए। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, या तो काट लें या फिर उसको कूट लें, और इसमें हम अपना साग डालेंगे। ये साग हमने काटा नहीं है, पीसा हुआ है। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। साग को अच्छी तरह पकाएंगे। चौका तैयार हो गया है। अब ये चौका मैंने लगा दिया है। अब हमारा साग तैयार हो चुका है, इसे